अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं। इसमें है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये जो सारी इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करना है। मींस कि इसके ऊपर फार्मूला हम लोगों ने कम्प्लीट करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको करना किस तरह, मैं आपको करके दिखाऊँगी। इसमें है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो लिखा है 7x² प्लस 2x माइनस 1, तो इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना होता है कि ये जो पहला वाला है कोफिशिएंट, ठीक है, अगर इसके साथ देखें, इसको हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा हो, स्क्वायर इसके ऊपर कंप्लीट हो रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, हमने देखना होता है कि ये पहला वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे ये 7x² है, तो हम उसी वाली वैल्यू के साथ, उसके ऑपोजिट साइन के साथ उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो तो हम इसको डिवाइड कर देंगे हर जगह, और वो क्या हो जाएगा कि वो स्क्वायर कम्प्लीट हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, जैसे अभी 7x² है, ये तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर ये होता 4x² तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, हम इसे एज इट इज़ इसको ले लेते इस तरह। लेकिन अब ये 7x² नहीं इस परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसी की ऑपोजिट साइन ले लेंगे, ठीक है, ताकि इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, 7x² प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 7x² प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं दोनों साइड्स पे क्या कर लूँगी, मैं इस जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, जिससे मैं उसी वाले साइन से उसके जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने में जो उसको नहीं बना पा रहा, तो उस वाले मैं उसको क्या कर लूँगी कि हर जगह उसको डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, बाय डिवाइडिंग बाय सेवन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 7x² ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1/7। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गए। अब जो नेक्स्ट है, हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देना, x² प्लस 2x/7 इज इक्वल्स टू 1/7। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता होगा a प्लस बी या a माइनस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। अब हमने इस वाले साइन को देखना है, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला लेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो हम a माइनस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला लेंगे। अब यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हम a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला लेंगे, ए स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, हमने इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है, मीन्स के जब हम फार्मूला अप्लाई करें उसके बाद एज इट इज़ फार्मूले को सॉल्व करने के बाद यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, ठीक है, अब हमें नहीं पता यहाँ बी स्क्वायर ये क्या होगा, तो हम इस तरह करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, अभी यहाँ ये ब्रैकेट है। ठीक है, अब ए स्क्वायर तो हो गया, हमने इसको कंप्लीट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2, हमें ए का पता है, देखें ए भी हमारे पास है, देखिए हमारे पास बी मौजूद नहीं है, हमने इसके इक्वल लाना है, तो हम ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इसके इक्वल आ जाए, ए स्क्वायर प्लस 2ए, बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ये आ जाएगा ना 2x/7, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब इसको फार्मूले का कंप्लीट करें तो यहाँ तो
सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, ये चीज़ तो है ही नहीं इसमें, तो उतनी ही उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आगे है 1/7 एज इट इज। समझ आ गई, मैं आपको दोबारा बता दूँ, हमने इस पर कंप्लीटिंग स्क्वेयर करना होता है, फार्मूला कंप्लीट करना होता है कि फार्मूला अप्लाई होने के बाद वो यही वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ कि ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता था, फिर हमने यहाँ ऐसी वैल्यू लिखनी है कि उसके साथ मल्टीप्लाई करके यही वाली वैल्यू है। ठीक है, 1/7 आना था, प्लस बी की वैल्यू 1/7 ली थी, तो हमने यहाँ 1/7 लगा दी। अब यहाँ 1/7 की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फार्मूला इसी के साथ कंप्लीट हो रहा था, तो उतना ही हमने माइनस कर देना इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, और ये वाला एज इट इज़। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये स्टेप। अब इसके बाद हमने यहाँ किसका फार्मूला खोला, हमने वो बताना है, हमने खोला है ए प्लस बी स्क्वायर और यहाँ 1/7 एज इट इज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गए, अब ये चीज़ एक्स्ट्रा है तो यहाँ माइनस हो रही, यहाँ जाके हो जाएगी प्लस। ठीक है, एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस, ये स्क्वायर कम ओपन होगा, 7 7 49। ठीक है, एक्स प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेना है, सेम टेबल पर जाए तो बड़ी वाली वैल्यू आ गई, ये एज इट इज आ जाएगी। 7 49 को 7 से डिवाइड किया 7 आया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7। एट ओवर 49। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है स्क्वायर को, तो इसके ऑपोजिट साइन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हम एक साइड पे लेते हैं, हर ऑपोजिट साइड दूसरी साइड पे भी हम वही चीज़ लेते हैं, अब हमने बोथ साइड्स पे, इसलिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू, अब जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 8 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हमने इसके मुताबिक लेना होता है, हम स्क्वायरिंग लेंगे जो बाकी बचा हुआ करिए, फिर ये देखें ऐसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 49। अभी मैं इसको स्क्वायर रूट नहीं कैंसिल करूँगा क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। अब क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू, अब ये जो है ये देखें, ये 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए ये देखें यहाँ 2 स्क्वायर × 2 था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 रह गया। अब ये इसकी अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये इसके कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा इसका। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 7 49 होता है, 7 नीचे आ गया। ठीक है, 7 एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने तो एक्स निकालना है, तो ये चीज़ यहाँ प्लस हो रही, यहाँ जाके हो जाएगी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू। अच्छा, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट ओपन करें तो प्लस माइनस आते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 2 √2/7, ये प्लस है, यहाँ जाकर हो जाएगा माइनस 1/7, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब एलसीएम लेंगे इसका, 7 आ गया, तो ये वाली एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, और यही हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना था वो हम लोगों ने अभी, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट, मतलब इसे आगे स्टेप नहीं हो रहा, ये वहाँ तक करना है जहाँ तक ये सॉल्व हो सके। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेप यही है।